नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूनम, आपके चैनल योर लाइफ माय लाइफ से। तो दाबेली कैसे बनते हैं फ्रेंड्स, उसी को मैं एक छोटा सा रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। इससे पहले मैं मिर्च और लहसुन की चटनी भी शेयर करूंगी और साथ में दाबेली मसाला भी। तो दाबेली का मसाला और मिर्च और लहसुन की चटनी कैसे बनते हैं, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। लेट्स गो फॉर रेसिपी। दाबेली मसाला बनाने के लिए पहले गैस ऑन करूँगी और वो जो पहले गैस ऑन करूँगी, फिर एक पैन लूँगी जो एकदम ड्राई होना चाहिए। फिर 1 टेबलस्पून धनिया लेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च लेंगे, 1/2 दालचीनी लेंगे 1.5 से 2 इंच का, 3 पीस, 5 से 6 लौंग लेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून अमरुक लेंगे, वाइट तिल, सेसमी तिल। इसको हम लोग ड्राई रोस्ट कर लेंगे हल्का सा, जिससे मसाला में जो मॉइस्चर रहे वो अच्छे से मर जाए। इसके लिए हम लोग 3 से 4 मिनट तक धीमे आंच पे मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये हल्का से रोस्ट हो चुका है, अब इस स्टेज में हम लोग गैस को फ्रेंड्स बंद कर देंगे। अब इस मसालों को हम लोग ठंडा होने तक छोड़ देंगे। जब तक ना मसाला ठंडा होता है तब तक हम लोग इसको ब्लेंड नहीं करेंगे, और ब्लेंड करने के टाइम हम लोग 2-3 मसाला और डालेंगे। फ्रेंड्स दाबेली मसाला में जो भुना हुआ मसाला था वो तो हम लोग डालेंगे, साथ में हम लोग 1/2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून काश्मीरी रेड मिर्च, 1/2 टेबलस्पून चीनी, और जो दाबेली के लिए जो मसाला बनाए थे अब वो, ये मसाला पूरी तरह से ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, अब इसका टेक्सचर देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके सामने से दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से दरदरा वाला टेक्सचर हम लोग बनाएंगे। ये रेडी हो चुका है दाबेली मसाला। अब चलते हैं गार्लिक एंड चिली मसाला की ओर। सेम मिक्सी जार में हम लोग पहले से ये मिर्च भींगा हुआ था गर्म पानी में, 1 घंटा पहले मैं इसमें गर्म पानी में भींगो के रखी थी, वो 4 मिर्च डाल दे रही हूँ और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ दे दे रही हूँ, और मैं सॉल्ट एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें पानी देती हूँ, वही वाला पानी जो मैंने भिगोने के टाइम डाला था। अब इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर देती हूँ। ये ब्लेंड करने के बाद चटनी इस तरह से कलर आएगी। अब हम लोग इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है गार्लिक एंड चिली का चटनी और ये है दाबेली का मसाला। फ्रेंड्स ये है दाबेली मसाला, ये है गार्लिक चिली चटनी, और ये रोस्टेड चना जिसमें मैं 1 टेबलस्पून दाबेली मसाला डाली हूँ और 1/2 टेबलस्पून गार्लिक चिली का पेस्ट डाल के हल्का से तवा पे रोस्ट कर लिया हूँ। और इसी तरह से मैं तीनों मसाला के साथ मैं बनाऊँगी दाबेली। फ्रेंड्स देख लिए मैंने कितने झटपट बना दिए दाबेली मसाला एंड चटनी। इसी दाबेली मसाला एंड चटनी के द्वारा मैं बनाने जा रही हूँ कच्ची दाबेली, जो मैं नेक्स्ट रेसिपी में लाने वाली हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल बटन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार, फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।